आपने कभी सोचा है कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन ना हुआ होता तो क्या होता? हम पूरे कॉन्फिडेंस से तो नहीं कह सकते कि क्या होता, लेकिन हाँ अनुमान जरूर लगा सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही देश होता तो उसका दुनिया पे क्या असर पड़ता। हिंदू और मुस्लिम के तनाव को अलग रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको ऐसी 5 बातें बताएंगे जिसको सुन के आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही होता। पहला, अगर इंडिया और पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो बांग्लादेश नाम का देश ही नहीं बनता। आप में से शायद ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और इसको ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन टाइम चलते ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ और अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। अब देखा जाए तो जब अंग्रेज भारत छोड़ के गए थे तब 2 देश नहीं बने थे, 3 बने थे, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। दूसरा, आबादी के मामले में ये वाला देश सबसे ऊपर होता। साल 2017 में भारत की कुल आबादी 135 करोड़ के आसपास थी और पाकिस्तान की 20 करोड़ के आसपास और बांग्लादेश की 17 करोड़ के आसपास, तो कुल मिलाकर उस भारत की आबादी 170 करोड़ के आसपास होती, जबकि चाइना की आबादी 138 करोड़ के आसपास थी, यानी कि साफ तौर पे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। तीसरा, क्रिकेट की बात की जाए तो इस देश की टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम होती जिसको हराना बहुत ही मुश्किल होता। जरा सोचिए, धोनी, कोहली, शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी एक टीम में खेलते तो क्या होता। चौथा, कश्मीर की बात ही कुछ और होती, क्योंकि 2 देश में लड़ाई नहीं है तो कश्मीर का मुद्दा कभी उठता ही नहीं। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कश्मीर काफ़ी सेफ होता और टूरिज्म की वजह से कश्मीर भारत का सबसे अमीर स्टेट बन जाता, लेकिन हम जानते हैं कि आज की हालत क्या है। पांचवा और आखिरी, अगर आर्मी की बात की जाए तो भारत दुनिया में दूसरी सबसे ताकतवर आर्मी रखता है, पहला चाइना है, और पाकिस्तान की आर्मी 6 सबसे ताकतवर आर्मी है। अगर ये देश एक होता तो क्या पता इसकी आर्मी सबसे ताकतवर होती और चाइना दूसरे नंबर पर होता। दोस्तों, हम हर हफ्ते ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें आपके पास लेके आएंगे। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप ऐसी और क्या बातें जानना चाहते हैं, कि ऐसा होता तो क्या होता।